सचमुच इस दुनिया में नया जन्म हुआ है। एक दौर ऐसा था सर, तो उस टाइम में मेरी बेटी शायद इस कगार पे खड़ी थी जहाँ सचमुच बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, अंदर आत्मा से बात कह रहे हैं। और वह जो किताब को देख के रोती रहती थी, सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं शुक्रगुजार हूँ चंदन सर का, जहाँ से वो कंकड़ को उठा के इन्होंने हीरा बना देते हैं। ये सृष्टि संध्या का चर्चा करना इसलिए जरूरी है, तो बॉर्डर पर पहुँच के यदि सिलेक्शन नहीं होता है तो काफी निराशा होता है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ सरफराज आलम। नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है और ऐसे में सहरसा के कई छात्र छात्राएं जो है वो बाजी मारी है। और इसको लेकर जो अभी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, वो तस्वीर देखिए, सृष्टि संध्या है जिन्होंने ऑल इंडिया रैंकिंग में जो है 2749 रैंक में इन्होंने अपना जगह स्थान बनाया है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है जब रिजल्ट जारी हुआ तो कैसा लगा, आप लोगों के परिवार में क्या फील हुआ? बहुत अच्छा लगा सबको, सब बहुत खुश थे। आगे क्या करना चाहते हैं आप, आगे किस तरह का प्लानिंग है आपका? आगे MBBS करके फिर PG करना है, उसके बाद स्पेशलिस्ट बनना है। अच्छा, स्पेशलिस्ट बनना है, फिर आगे देश के लिए क्या करेंगे? कोई कहते हैं ना कि चलो भाई देश के लिए हम ये करेंगे, मतलब कि सेवा देंगे, गरीबों का इलाज करेंगे, तो आपका क्या प्लान है इसके लिए? हाँ जी, हम भी अपना हॉस्पिटल खोलेंगे। अच्छा, उसमें एक दिन तो फ्री ऑफ सर्विस देंगे। हॉस्पिटल आपका अपना हॉस्पिटल होगा? हाँ, फ्री सर्विस, एक दिन फ्री सर्विस रहेगा। आपके माता पिता क्या करते हैं? हमारे मम्मी पापा टीचर हैं। किस तरह का सपोर्ट मिला पढ़ाई के क्षेत्र में? मम्मी का बहुत सपोर्ट था और पापा का भी, मतलब मेरी मम्मी पापा और भैया का बहुत सपोर्ट रहा और चंदन सर है इनका बहुत सपोर्ट रहा। ये लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करते थे, तो फिर बहुत अच्छे से रास्ता दिखाते थे कब क्या करना है, नहीं तो फिर सक्सेस नहीं हो पाते। पूरा सपोर्ट आपके परिवार का, पूरा सपोर्ट मिला? हाँ, और सर का भी, सर का बहुत सपोर्ट रहा। इनकी माँ भी यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे, जैसा कैसा फील हो रहा है जब आपकी बच्ची का रिजल्ट आया? बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं हम, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आज हम। आज ऐसा लग रहा है कि फिर से मेरा एक नया जन्म हुआ है। एक जन्म माँ बाप दिए, एक जन्म आज को मेरी बच्ची दी है और आज मेरा सचमुच इस दुनिया में नया जन्म हुआ है। एक दौर ऐसा था सर जब मेरी बच्ची सेकेंड अटैम्प्ट में 98% लेकर के वो सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उस टाइम में मेरी बेटी शायद इस कगार पे खड़ी थी जहाँ सचमुच बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। और उस जगह, उस जोन से मेरी बच्ची को निकालने में सारा श्रेय अगर हम देते हैं तो चंदन सर को देते हैं। उनका हेलो कहना ऐसा महसूस होता था इसके कान में कि मानो कोई कोमा से उसको खींच लिया हो, कोमा से खींच लिया हो। आज हम अपने अंदर आत्मा से बात कह रहे हैं और खींच के, उस जोन से खींच के मेरी बेटी को मेरे रास्ते पे लाए। और वह जो किताब को देख के रोती रहती थी बस में, और आगे ला के ये दिन दिखाए जिस दिन को देखने के लिए हम लोग जी रहे थे। एक समय ऐसा था कि वो टूट चुकी थी, उम्मीद नहीं था कि आगे हम, नहीं बिल्कुल नहीं, वह 98% ला करके वह इस कदर टूटी थी कि मैं कह रही हूँ ना, वो सुसाइड जोन के पास खड़ी थी। और उस समय मेरे सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं शुक्रगुजार हूँ चंदन सर का, अस्तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। इस जन्म में क्या किसी जन्म में उसका एहसान नहीं भूल पाऊंगी। शिक्षक का आवाज़, हाँ, उन पर जाना, उनके कानों, हाँ, को तक जाना और फिर वो वापस होना और इस वापस होना ही नहीं, इस सफलता तक पहुँचाना। सारा श्रेय मैं चंदन सर, उनके सहयोगी शिक्षक और उनकी व्यवस्था, उनका टेस्ट। इतना ही नहीं सर, इन्होंने एक अच्छे शिक्षक के सिवा एक अच्छे अभिभावक के रूप में भी मेरे साथ खड़े रहे। ऐसे अभिभावक जहाँ से वो कंकड़ को उठा के इन्होंने हीरा बना देते हैं। ये फाइनेंशियल सपोर्ट से लेकर के पढ़ाई के सपोर्ट से लेकर वो हर सपोर्ट करते हैं बच्चों को। तो आपकी बेटी कह रही है कि उनका एक अपना हॉस्पिटल वो खोलना चाहती है, हाँ, उस पर वे मुफ्त में इलाज। मैं आगे चाहूँगी कि आगे भी वो रास्ता दिखाए, वो रोशनी दिखाएं सर इसको, और साथ में मैं इसके हिम्मत, इसके लगन और जी तोड़ मेहनत को श्रेय देती हूँ। लक्ष्मी जी थी, इनकी माँ है और चंदन जी भी यहाँ पर मौजूद है और इनके शिक्षक है। सर क्या कहेंगे, कैसा फील हो रहा है जब आप किसी
बच्ची का जब सफल होती है तो शिक्षक बड़े खुश होते हैं, इससे बड़ा पल कोई नहीं होता। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और इस दिन का इंतज़ार हम लोग बहुत दिन से कर रहे थे और हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसमें सृष्टि संध्या का चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पिछले साल भी सफल होने से थोड़ा थोड़ा मार्क्स के लिए चुकी थी, 589 मार्क्स था और 595 पर कटअप गया था। तो आप सोच सकते बॉर्डर पर पहुंच के यदि सिलेक्शन नहीं होता है तो काफ़ी निराशा होता है, तो उस निराशा के दौरान ये काफ़ी हतोत्साहित हो गई थी, इनके मम्मी का काफ़ी सपोर्ट रहा जिसके कारण से आज हम इसको रिजल्ट तक ला पाए। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हम बड़े शहर जाएंगे, बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे तभी हम सफल हो सकते हैं, लेकिन ये बच्चे लोग अपने मेहनत के बदौलत ये साबित किया है सो बड़े शहर बड़े इंस्टीट्यूट मायने नहीं रखते हैं। प्लस हम लोग भी इन लोगों के अंदर जो पोटेंशियल था, क्षमता था, उसको जगाने का प्रयास किया। चंदन जी थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोसी का इलाका पिछड़ा हुआ इलाका है और यहाँ पर भी अब जो प्रतिभा की कमी नहीं है, छात्र छात्राएं जो है वो बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, उनका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है और आगे भी बढ़ रहे हैं।